हेलो गाइस, तो हम देखने वाले हैं द ड्रैगन नाइन रैल्म। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि टॉम अपनी मॉम ओलिविया कुलर्सन के साथ उनके एक्रिस नाम के प्रोजेक्ट पे जा रहा होता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद था उन गहरी पहाड़ियों में कुछ नई चीज को ढूंढना, और उसकी मॉम वहाँ पे उस प्रोजेक्ट पे काम करती थी। साइट पे पहुँचने के बाद से टॉम को उसकी मॉम के साथ काम करने वाली डॉक्टर उंग मिलती है। डॉक्टर उंग टॉम को अपनी बेटी जूम से मिलवाती है, जो हमेशा कार्ड्स और मैजिक में लगी रहती थी। डॉक्टर उंग अपनी बेटी जूम से कहती है कि तुम टॉम को ओरिएंटेशन सेंटर दिखा दो, मैं और ओलिविया किसी काम से कहीं पे जा रहे हैं। तभी वहाँ का चीफ ऑफिसर फिलिप वहाँ पे आता है। तभी उसका बेटा एलेंजो बेकर भी आया था। तभी वहाँ पे उसके साथ एक और लड़की आई थी जिसका नाम एलेक्स था, और फिर उनको सेफ्टी ओरिएंटेशन के लिए चीफ फिलिप उन्हें कहीं लेकर जाता है। लिफ्ट से जाते वक्त वो उन्हें सबको वार्न करता है, यहाँ कहीं पे भी उनसे बिना पूछे कोई भी कहीं नहीं जा सकता। लेकिन टॉम अपनी शैतानियों से बाज नहीं आने वाला था, और वो सबसे छुपकर वर्किंग एरिया में चला जाता है, और वो वहाँ पे देखता है कि कैसे ड्रोन की मदद से वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं। उसे वहाँ पे नीचे कुछ उड़ती हुई चीज दिखाई देती है, और तभी वहाँ पे एक अर्थक्वेक आता है, और वहाँ पे काम कर रही एक वर्कर नीचे लटक जाती है। वो किसी भी वक्त नीचे गिरने ही वाली थी। तभी वहाँ पे टॉम रखे हुए रस्सी को नीचे फेंकता है, लेकिन टॉम उसका वेट अकेले ही नहीं खींच पाने वाला था, और वो नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे फिलिप आ जाता है, उसे बचा लेता है। फिर अंदर जाने के बाद से सब उससे कहते हैं कि उसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए, और फिर फिलिप भी टॉम से कहता है कि जो तुमने आज किया वो वाकई बहादुर वाला काम था, और साथ ही कहता है कि ये सब बहुत डेंजरस है और तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए। और अब टॉम को घर के अंदर ही रहने के लिए कहा गया था। फिर टॉम अपने ड्रोन को उड़ाकर देखना चाहता था कि वहाँ पहाड़ के नीचे क्या है। तभी वहाँ पे जून आती है, और वो कहती है कि उसे भी ड्रोन उड़ाना है, और वो टॉम से लेकर ड्रोन को उड़ाने लगती है, लेकिन वो ड्रोन जाकर एक सिप से फंस जाती है। इसके बाद रात को टॉम फिर से अपना ड्रोन उड़ाकर देख रहा था, तभी पहाड़ों के पास से एक अचानक से बिजली निकली और उसका ड्रोन नीचे गिर गया। फिर टॉम अपना ड्रोन लेने के लिए पहाड़ों के नीचे जाता है, और तभी वहाँ पे उसे अजीब जानवर वाली कुछ चीज दिखाई देती है, और वो देखता है कि उसका टेल नीचे पत्थर से दबा हुआ है, और फिर उसके टेल पे से वो पत्थर हटा देता है, और वो देखता है कि वहाँ पे एक ब्लैक कलर का ड्रैगन होता है जिसके मुंह से एक बिजली निकलती थी, और ड्रैगन टॉर्च की लाइट पड़ते ही वहाँ से भाग जाता है। टॉम ऊपर पहाड़ों पे चढ़ने लगता है, लेकिन पत्थर से फिसलने की वजह से वो नीचे गिरने लगता है। तभी वो ड्रैगन टॉम का पैर पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है, और वो टॉम को उड़ाकर एक गुफा में लेकर चला जाता है, और तभी ड्रैगन टॉम का बैग लेकर भागने लगता है, जैसे वो मानो भूखा हो और उसे खाना चाहिए। फिर ड्रैगन टॉम को उड़ाकर उसके घर के पास ले आता है, और उस ड्रैगन के एक इलेक्ट्रिक शॉक से उसके सारे प्रोजेक्ट की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, और ड्रैगन टॉम को छोड़ देता है। लेकिन फिलिप टॉम को आते हुए पकड़ लेता है, और ले जाकर उसकी मॉम को दे देता है, और उसकी मॉम उसे फिर से डांटती है, वो ऐसे खतरनाक काम क्यों करता है। अगले दिन टॉम फिर से अपने बाकी के सारे दोस्तों को बताता है कि उसने वहाँ पर ड्रैगन देखा, लेकिन कोई भी उसके बात का विश्वास नहीं कर रहा होता। तभी एलेक्स टॉम से कहती है कि अगर यहाँ पे ड्रैगन हो भी तो अच्छा है कि हम इंसानों को वो ना दिखे, नहीं तो यहाँ की कंपनी उन्हें पकड़ कर उन्हें मार कर उनसे नई नई चीजें बनाएगी और अपनी प्रॉफिट मार्जिन बनाएगी। टॉम उस ड्रैगन के लिए आज नई नई चीजें खाने के लिए ले जा रहा था, और टॉम अपनी मॉम से कहता है कि क्या हो अगर कोई यहाँ पे नई स्पेसिस ढूंढ ले। तो उसकी मॉम कहती है कि जो कुछ भी मिलेगा उसका सारा रेट कंपनी डिसाइड करेगी कि क्या करेगी। टॉम उस मैप में नए सीक्रेट कैब ढूंढने की कोशिश कर रहा था जहाँ पे उसे वो ड्रैगन मिल सके। तभी वहाँ एलेक्स आती है, और वो बताती है कि ये सारे मैप्स पुराने हैं और इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और फिर वो उसे एक नया मैप देती है जिसे उसने कंपनी की साइट को हैक करके निकाली थी, और फिर टॉम उसे थैंक्स बोलकर निकल जाता है। और फिर टॉम सबसे छुपता हुआ उस कैब में पहुंचता है, और ड्रैगन को वो सारे फूड देता है, लेकिन ड्रैगन को उसमें से कोई भी खाना पसंद नहीं आता है। टॉम उसे फ्रोजन फिश नट्स देता है जिसे टॉम बहुत ही नफरत करता है, तो ड्रैगन को वो चीज बहुत पसंद आती है, और वो टॉम को भी खाने का इशारा करता है। टॉम को ना चाहते हुए भी वो सारे नट्स खाने पड़ते हैं। अब ड्रैगन और उस नट्स में दोस्ती हो रही थी, और ड्रैगन टॉम को लेकर उन सारे पहाड़ियों की सैर करवाता है, लेकिन तभी वहाँ पे अर्थक्वेक आने की वजह से उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। ड्रैगन टॉम को अर्थक्वेक से बचाता है और उसे लेकर एक गुफा में पहुँचता है जहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन थे। टॉम ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी मॉम घर पहुँचने वाली है, तो वो ड्रैगन को जल्दी से उसे घर पहुँचाने के लिए कहता है। तो ड्रैगन उसके मॉम के घर पहुँचने से पहले टॉम को घर पहुँचा देता है। अगले दिन टॉम देखता है कि फिलिप वहाँ पे सेंसर लगा रहा है, तब वो एलेक्स के पास आता है और वो सारे सेंसर को हैक करने के लिए कहता है। पहले तो एलेक्स मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। टॉम उस सेंसर को डिसेबल करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन आज उसका पीछा करते हुए जून उसके पास आ जाती है और वो उस कैब में चली जाती है। टॉम उसे मना करता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं। तभी वो ड्रैगन उड़ता हुआ आता है और वो टॉम से खेलने लगता है,
जून शॉक थी एक रियल ड्रैगन देखकर। जून हमेशा सबसे कहती थी कि ड्रैगन होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। टॉम उस ड्रैगन का नाम थंडर रखता है। थंडर जून को भी लाइक कर रहा था। जून कहती है कि वो अपनी मॉम को बताएगी, लेकिन टॉम मना करता है। टॉम कहता है कि अगर मॉम को पता चला तो पता नहीं उनकी कंपनी इसके साथ क्या करेगी। टॉम जून को थंडर के ऊपर बैठाकर उसे उस केव में लेकर जाता है जहाँ पे और भी ज्यादा ड्रैगन थे, जिसे देखकर जून और भी ज्यादा खुश थी और वो कहती है कि ये ड्रैगन्स कितने ज्यादा अच्छे होते हैं। फिर वहाँ पे कुछ ड्रैगन्स दिखते हैं जो क्रिस्टल खा रहे थे। जून उन सबको छूने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो सारे ड्रैगन्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। थंडर उन्हें उन ड्रैगन से बचाता है, लेकिन उनके अटैक की वजह से जून नीचे एक गुफा में गिर जाती है जहाँ पे उसे दो सर वाले ड्रैगन्स दिखाई देते हैं, जिसमें एक अपने मुंह से बर्फ उगलता था तो एक अपने मुंह से आग। वो ड्रैगन जून के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जून उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और जून के बहुत कोशिश करने के बाद से वो उन ड्रैगन को कंट्रोल करने में कामयाब रहती है। तो थंडर उन हमला करने वाले ड्रैगन को वहीं क्रिस्टल में फंसा देता है। जून उन ड्रैगन्स की मदद से वहाँ से बाहर निकलती है और वहाँ पे टॉम से मिलती है और अपने ड्रैगन्स को थंडर और टॉम से मिलवाती है। और इसके आगे का एपिसोड पार्ट 2 वाली वीडियो में है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।